हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का एक नया दाव है जो कि पुलिस की भर्ती पर महिलाओं के जो आरक्षण है उसको बढ़ाया जाएगा। यहां पे ऑलरेडी आरक्षण पर पेज जो है वो फंसा हुआ है, अब ये नया दाव जो पुलिस भर्ती में आपको देखने को मिलेगा। साथ में कल 12,000 पदों पर जो भर्ती के लिए जो है भर्ती लाने के लिए जो है प्रदर्शन किया गया था, और इसी के साथ साथ 100 पदों पर अब संविदा भर्ती निकलेगी। कौन से पद है पूरी जानकारी देंगे, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो 100 पदों पर संविदा भर्ती के संबंध में। दरअसल आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के संबंध में अभी तक पूरी भर्तियां रुकी हुई है आरक्षण के ही कारण। तो इस कड़ी में हुआ क्या कि कल जो है हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग सभी जो मेडिकल कॉलेज है उनके जो है प्रमुखों से चर्चा की, और उस चर्चा में जैसा कि बिल्डिंग भवन में कोई दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, या और भी इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है, तो वो सभी चीजें हुई। और साथ में एक और बोल सकते हैं निर्णय हुआ जो बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको बोलेंगे कि 100 पदों पर जो है अब संविदा भर्ती होगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर की स्वशासी समिति की बैठक में कॉलेज में स्टाफ नर्स की कमी को देखते हुए स्वशासी समिति से कलेक्टर दर पर 100 नर्स रखे जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्रीदेव ने बैठक में वर्तमान मेडिकल कॉलेज परिसर में जगह की कमी के मद्देनजर मेडिकल कॉलेज को सरकंडा में उपलब्ध भूमि में 950 बिस्तरों के चिकित्सा महाविद्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये 100 पदों पर जो संविदा भर्ती है स्टाफ नर्स की, ये तो आपको आगामी समय में देखने को मिलेगी। रही बात अब इसी चक्कर में, आरक्षण के ही चक्कर में भर्ती परीक्षा नहीं हो रही है, भर्ती नहीं निकल रही है। एक तरफ जहां पे जिला एवं सत्र न्यायालय में कंटिन्यू भर्तियां निकल रही, लेकिन एक तरफ छत्तीसगढ़ में कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है। सीजीपीएससी ने जिस प्रकार से स्टेट परीक्षा ली थी, राज्य सेवा परीक्षा 12 फरवरी को जो आयोजित की गई थी, साथ में सिविल जज की परीक्षा 26 फरवरी को जो आयोजित की गई थी, उसी के मद्देनजर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है कल, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड एवं बीएड प्रशिक्षण कल्याण संघ ने बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन किया। संघ के सदस्यों ने आंदोलन के बाद प्रशासनिक अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, और मांग यही है कि शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए, क्योंकि 6 लाख डीएड बीएड बीएड का जो बी लीव है वो बेरोजगार है, और हर साल जो है कंटिन्यू जो है डिग्री ले रहे हैं, डीएड बीएड की संख्या हो या बी लीव की संख्या हो कंटिन्यू बढ़ते जा रही है, और कहीं ना कहीं उम्र भी बढ़ते जा रही है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जैसे कि सीजीपीएससी परीक्षा लिया, उसी प्रकार से ये भी परीक्षा ले लिया जाए, जैसे कि एसआई भर्ती का भी प्री ले लिया गया बिना आरक्षण रोस्टर के, उसी प्रकार के इनका भी मांग है कि कम से कम भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाए, और उसके बाद जब आरक्षण आएगा तो भले रिजल्ट जारी कर दिया जाए, एटलीस्ट उन लोगों की उम्र जो है वो जो अभी फिलहाल जैसे कि 2023 का उम्र मांगा जाएगा, लेकिन अगर ये अगले साल निकलेगा तो फिर 2024 की उम्र के समक्ष जो है आपका उम्र टोटल किया जाएगा। इस प्रकार से तरह तरह की मांगे हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है। हालांकि आज से छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है, जहां पे 6 मार्च को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बजट जो है पेश होगा 12:30 बजे, और जो युवा, अनियमित कर्मचारी, बेरोजगार, ये सभी लोग जो है एक टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन देखिएगा, बहुत सारे युवाओं का ये आरोप है कि पिछले बार भी बजट में बहुत सारे भर्तियों का जो है बोल सकते हैं घोषणा की गई थी, जिसमें कि एक प्रमुख भर्ती थी महिला होमगार्ड की भर्ती, परंतु पिछले बजट से लेकर अभी तक बजट अभी फिर से नया आ रहा है, अभी तक महिला होमगार्ड की भर्ती भी नहीं हो पाई, भर्ती का कुछ भी नहीं हो पाया, ना आवेदन मंगाया, ना भर्ती विज्ञापन निकल पाया, कुछ भी नहीं निकल पाया। तो सिर्फ ये घोषणाएं रहेंगी कि वाकई में जमीनी स्तर पर कुछ होगा, इस पर कहीं ना कहीं युवा जो है कंफ्यूज्ड है, और कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि शायद मुख्यमंत्री जी अब युवाओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात है ये क्या होगा। फिलहाल बात करते हैं महिलाओं
के पुलिस भर्ती में आरक्षण बढ़ाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अभी 85वां अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में क्या बातें सामने आई, उसमें से एक बात ही प्रमुख है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पुलिस की भर्ती में महिलाओं का बढ़ाया जाएगा आरक्षण। कांग्रेस महाधिवेशन के फैसलों का असर जल्द कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ व हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है। महाधिवेशन में कई फैसले किए हैं जिसमें राज्यों के पुलिस बल में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की रिक्तियों में 33% आरक्षण लागू करना शामिल है। इस साल राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस शासित सरकारें राज्यों में मौजूदा आरक्षण को 33% तक करने पर फैसला कर सकती है। कांग्रेस भाजपा के हिंदुत्व व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के एजेंडे को काट तलाश रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत में महिला मतदाताओं की भूमिका बताई जाती है। कांग्रेस इसे अन्य राज्यों में दोहराना चाहती है और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाने पर जोर दिया है। राजस्थान व छत्तीसगढ़ में पहले से पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है, इसे 33% करने में राज्यों को मुश्किलें नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अब आगामी पुलिस भर्ती में ये देखने को मिल सकता है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को, जो अभी वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ लिखा है कि 30% मिल रहा है, तो अब क्या 33% आरक्षण देती है कि नहीं। दूसरा, इसी पुलिस भर्ती में 60 नंबर के मद्देनजर जो पुलिस कर्मियों को देने की मांग चल रही है, इस पर बहुत सारे युवाओं का जो है रुख सामने आया है जिसमें तरह तरह की मांगे रखी जा रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि सबको, जितने को 90 नंबर मिला है उतनों को शामिल किया जाए, इस प्रकार से अलग अलग जो है मांगे जो है की जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात है कि इस पर क्या निर्णय होते हैं, पर नियम तो यही है कि जब जो नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं उसी नियम के तहत भर्ती की जाती है। दूसरी तरफ हो सकता है कि भर्ती के पहले कुछ नियमों में परिवर्तन किया जाए कई भर्तियों में, जैसे कि पिछले साल जब 2017 में ईडीओ की भर्ती हुई थी तो उसमें यही लिख दिया गया था कि जो पीजीडीआरडी है, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा डिग्रीधारी, उनको 15 अंक जो है बोनस दिया जाएगा इस प्रकार से, जबकि राजपत्र में सिर्फ ग्रेजुएशन वालों को मौका दिया जाएगा इस प्रकार से। वहां 15 नंबर का कोई भी बोनस का प्रावधान राजपत्र में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वहां दिया गया और वो भर्तियां हुई। उसी प्रकार से हो सकता है कि इसमें भी ऐसा कुछ हो, लेकिन आगामी अब क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। बजट सत्र में फिलहाल अभी समय है 6 मार्च को, और उस समय तक आप इंतजार करिए क्या है, पूरा अपडेट मिलेगा। फिलहाल आज का ये पूरा अपडेट आप सभी को देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें।